ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित रजिस्ट्रेशन चेकिंग सेंटर में चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों वाहनों की चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र से आए यात्रियों के 30 सदस्यीय दल 16 पुरुष 14 महिलाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करने पर उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्जी मिले, जिनमें तारीखों के कूट रचना कर उन्हें बदला गया था, जिसके संबंध में दल के साथ आए यात्री सागर नेमी नाब मड़गम निवासी कोल्हापुर महाराष्ट्र से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने 30 सदस्यीय दल का चारधाम की यात्रा के लिए हरिद्वार की कोणार्क ट्रैवल से दिनांक 21 मई 2024 से 30 मई 2024 तक का दो धामों की यात्रा हेतु संपर्क किया था। कोणार्क ट्रैवल्स की ओर से अभी नाम के व्यक्ति से उक्त तिथि को यात्रा हेतु वार्ता की गई तथा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके एवज में उनके द्वारा अभी को 1500 रुपये तथा कोणार्क ट्रैवल्स को 1,65,000 रुपये का भुगतान किया गया था। ट्रैवल एजेंसी की ओर से अभी द्वारा उन्हें दो धाम दर्शन के लिए व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की PDF उपलब्ध करवाई गई थी। ऋषिकेश आकर हमें जानकारी मिली कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था। नवभारत समाचार से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। मैं सम्मान रविंद्र कटके सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। हम करीब करीब 30 लोग हैं जो महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे थे चारधाम यात्रा के लिए, और जब हम हरिद्वार पहुँचे, ऋषिकेश पहुँचे, तो हमारे जो पासिस थे वो सब फर्जी निकले। हमारे ट्रैवल एजेंसी से जो हमको नंबर मिला था, उन्होंने हमको फर्जी प्रूफ दे दिया था, रजिस्ट्रेशन हमारा फर्जी निकला गया। तो जब हम कोतवाली पुलिस चौकी जब हम पहुंचे, तो हमको उन्होंने पूरी तरीके से सहायता की है, और धामी सरकार ने भी हमारी बहुत सहायता की है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।